कुलदीप नैयर अपने सेकुलर रुझान के कारण अक्सर आलोचना के शिकार हो जाते हैं। फेमस डांसर सोनल मानसिंह ने तो एक बार उन्हें स्यूडो सेकुलर तक कह डाला था। हालांकि कुलदीप नैयर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सियल लंदन में हाई कमिश्नर रहने के दौरान रहे हैं। इस दौरान उन पर इंडिया हाउस के दरवाजे आतंकवादियों तक के लिए खोल देने के आरोप लगते रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। दरवाजे इसलिए खोल दिए थे कि पहले वहाँ आम सिख को, मान लीजिए एक बुढ़िया भी हो 50 साल 60 70 साल की, जो अपने इधर बेटे के पास आना चाहती हो, इसको वहाँ हाई कमीशन में जाने के लिए फ्रंट से नहीं पीछे से दरवाजे से जाना पड़ता था। उससे जो गुस्सा और रोष वहाँ की सिख पॉपुलेशन पर था, आप अंदाजा नहीं लगा था। खतरा मोल लिया उन्होंने, खतरा था, लेकिन ये कि हिम्मत के साथ खतरा लेना और न सिर्फ दरवाजे खोलना बल्कि पंजाबियों के घर जाना, उनके गुरुद्वारों में जाना, कोई भी उनको निशाना बना सकता था। लेकिन ये कि ये तो करैक्टर की हिम्मत है कि आप देश की उस विश्वास सकते हैं उन चीज़ों में और उसके लिए आप अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, ये उनकी प्रशंसा की बात। जब आप हाई कमिश्नर लंदन में थे तो इंडिया से ज़्यादा आप अपनी इमेज के बारे में परेशान रहते थे, और यहाँ तक कि तमाम ऐसे सिख ऑर्गेनाइजेशंस थे, तमाम ऐसे सिख फ्रेंड थे आपके जिनके टेररिस्ट लिंक्स थे, उन सबको आपने बढ़ावा दिया, इम्पोर्टेंस दी, इंडिया हाउस के दरवाजे खोल दिए लोगों के लिए। इसलिए कि सिख जो थे और ये मिल में, ये एलिनेटेड थे, और ये फैक्ट है कि हाई कमीशन में उनके दरवाजा नहीं खुलता था और उनकी पगड़ी की वजह से उनको नहीं आने दिया जाता था। मैंने आके दरवाजा खोला, मैंने कहा ये हमारे अपने हैं। आई थिंक कि जब मैंने इन सब को किया तो आई वॉज एबल टू ब्लंट देयर काइंड ऑफ टेररिज्म, बल्कि उससे यह हुआ कि जहां जहां मैं गया सिख करीब आए। जो सबसे टेररिस्ट गुरुद्वारा माना जाता था, मैं अपनी पत्नी को एक दिन दिया बगैर किसी पूछे, हम चले गए वहां, भगवान का घर है गुरुद्वारा, तो वहां पे वो कोई नारे वारे लगे कि इंडियन डॉग्स गो बैक, हाई कमीशन मुर्दाबाद, तो हमने अपने जाके मत्था टेका और चले आए। इट हैड इट्स इफेक्ट। बहुत से लोग मेरे पास फिर आए कि ये जो लड़कों ने किया जी, हम उनसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं वगैरह। अच्छा, हमारे हाई कमिश्नर में ये एटीट्यूड था कि कोई सिख आए दूर से, ये जैसे को हर सिख पगड़ी वाला टेररिस्ट है, तो मैंने कहा ये गलत बात है। तो उससे ये हुआ कि आना जाना शुरू हो गया, लोग वहां से आए, देखा कि हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, यही तो कहा जाता है कि आपने बिना सोचे समझे इस तरह दरवाजे खोले इंडियन हाई कमीशन के कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी उससे फायदा मिला। नहीं, फायदा क्या मिला, एक तो बगैर सोचे समझे नहीं, मैंने सोचा कि मैं क्या उसको अप्रोच करना चाहिए। मेरा ख्याल था कि लव से ज्यादा अप्रोच सीखा है उसे, कोई टेररिस्ट का ये नहीं हुआ, कोई मेरे होते कोई बम नहीं फटा, कोई मेरे होते को मारे नहीं गए, बल्कि वहां पे एक हरारत थी, आपस में हिंदू सिख नहीं मिलते, अब मिलने शुरू हो गए। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तारीफ नहीं हो रही थी, कुलदीप नैयर हाई कमिश्नर की तारीफ हो रही थी सिखों के बीच में, हाई कमिश्नर बड़ा अच्छा, गवर्नमेंट तो ऐसी है। मैंने कहा देश की तारीफ हो रही थी, हिंदुस्तान की, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है, ये गलत बात है कि भाई अपनी तो अगर यही होती तो हर जगह मेरा ही कुछ, ये नहीं था, इंडिया की तारीफ हो रही थी, ये तो मैं एक क्योंकि हाई कमिश्नर था तो मेरी तारीफ नहीं हो रही। जब आप हाई कमिश्नर थे लंदन में तो चीफ जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी की डेथ हुई थी और आप पे आरोप लगा था कि आपने लापरवाही बरती, उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाया। ये जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस मुखर्जी, ये एक तो हार्ट के बहुत बड़े पेशेंट थे, हार्ट अटैक भी हो चुका था, और दूसरा डायबिटिक बहुत थे। अच्छा, जो अटैक किए जाते हैं, एक तो कि भाई वहाँ पे अफसर नहीं थे बहुत, ये ब्रिटिश हॉस्पिटलों का कायदा है कि वो कमरे में बैठने नहीं देते क्योंकि वो बहुत, और उनके स्ट्रिक्ट आवर्स हैं, लेकिन बाहर एक आदमी बैठा रहता है, वो था एक अफसर। अच्छा, ये कि पैसा नहीं दिया गया, ये गलत बात है क्योंकि फैक्स मैसेज दिए गए सब कुछ। तो ये थे पत्रकार कुलदीप नैयर की पर्सनालिटी से जुड़े तमाम जाने अनजाने पहलू।